नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही पैनी नजर। नरेंद्र मोदी 9 जून यानी रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। नरेंद्र मोदी रविवार को राजधानी में कई पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों समेत कई विदेशी मंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि सारे विदेशी मेहमान सोमवार तक दिल्ली में रुकेंगे। शपथ ग्रहण करने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विदेशी नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे दिल्ली को किले में बदल दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल G20 सम्मेलन की तरह ही है। राजधानी में नो फ्लाई जोन तो है ही, साथ ही संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स की तैनाती भी की गई है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा इतनी कड़ी की है कि जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में नो फ्लाई जोन घोषित भी कर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में SPG राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, ITBP दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, NSG के ब्लैक कैट कमांडो और NDRF की टीमें मौजूद रहेंगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रेसिडेंट हाउस, सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, SPG, NSG, IB और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए भी खुफिया विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी मेहमान को कोई दिक्कत ना हो। विदेशी मेहमान जी होटल में रुकेंगे, वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर हरकत पर सुरक्षा विभाग की पहली नजर, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।